नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्ट ट्रेडिंग में। तो चलिए, कल बैंक निफ्टी फ्यूचर कैसे मूवमेंट करेगा वो हम देखते हैं। जैसे हमने कल एनालिसिस किया था, उसी तरह से वो लेवल दे गया, और जो भी हमने ऑप्शन की लेवल आपको कल प्रोवाइड की थी उसके भी लगभग सारे टारगेट पूरे हो गए और सभी को अच्छा सा प्रॉफिट हुआ होगा। तो जल्द से जल्द टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहां पर हम हर रोज एक लेवल अपडेट करते हैं फ्री में एजुकेशनल पर्पस के लिए। आप वो ज्वाइन करके हमारे एक्यूरेसी देख सकते हैं, और अगर आपको एक्यूरेसी अच्छी लगे तो आप हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वही सीखने के लिए कि कैसे आप टारगेट निकालते हो, स्टॉप लॉस निकालते हो और कैसे आप एंट्री पॉइंट निकालते हो। तो एक बार अगर आप ट्रेनिंग में ज्वाइन हो जाओगे तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, ये हमारा परफेक्ट ट्रेडिंग का वादा है। एक बार जुड़ के देखो, फिर असली प्रॉफिट क्या है वो पता चलेगा। तो चलिए, परफेक्ट ट्रेडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम बहुत ऐसे लोगों तक पहुंच सके जो शेयर मार्केट को सिर्फ एक गैम्बल समझते हैं, बल्कि ये एक सोर्स ऑफ इनकम है। अगर आप इससे अच्छी तरह से लर्न करो तो अच्छी लर्निंग से अच्छी अर्निंग हो सकती है। तो पहले लर्न करो, पहले सीखो, ऑब्जर्व करो, हमारे पास आओ, हम आपको अच्छे से बेसिक से लेके एक्सपर्ट से लेके एडवांस कोर्स तक पढ़ाएंगे, और फिर आप ट्रेड करो और फिर हमें आप खुद रिजल्ट बताने आओगे। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। फ्री डीमैट ओपन कर सकते हो हमारे लिंक से, जिनके पास भी डीमैट नहीं है, बिगिनर है जो भी, वो हमारे लिंक से डीमैट ओपन कर सकते हो, उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम में डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलिए, अभी आज हम सिर्फ बैंक निफ्टी फ्यूचर का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आज मैं आपको इसीलिए लेवल नहीं प्रोवाइड करवा रहा हूँ ऑप्शन के ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि मैं ये लेवल कल टेलीग्राम में लाइव में प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी मोड में है। तो हमें प्राइस एक्शन कंफर्म करना है। जैसे हमने कल क्या बोला था, पहले थोड़ा रिविजन करते हैं प्राइस एक्शन समझने के लिए। जैसे हमने कल बोला था कि अगर कोई भी कैंडल 15 मिनट की, जैसे देखो ये 15 मिनट की कैंडल है, तो ये कोई भी पहली 15 मिनट की कैंडल या कोई भी कैंडल अगर 36,350 के नीचे क्लोज दे देती है तो आपको सीधा सीधा टारगेट होगा 36,000। और देखो, जैसे ही आपके पहले एक जो 15 मिनट की कैंडल ने ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट से इम्पोर्टेंट है क्लोजिंग दे दी, किधर क्लोजिंग दी, 36,350 के नीचे, तो आपका 36,000 टारगेट हो गया। समझ रहे हो, यहाँ पर आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, और एग्जैक्टली यहाँ से फिर थोड़ी रिट्रेसमेंट वोलेटाइल होकर साइडवेज चला गया। तो मैंने क्या कहा था, अगर गैप अप ओपन होगा तो ट्रेड नहीं करना, गैप डाउन ओपन होगा तो भी ट्रेड नहीं करना। हमारा कंडीशन एक ही था कि अगर आप फ्लैट ओपन होगा तभी ट्रेड करना। और उसी तरह से जब आपने अगर ट्रेड किया होगा, जैसे मैंने बताया था, तो आपको 100% प्रॉफिट हुआ होगा। तो आप इजीली देख सकते हैं, हमने इजी प्राइस एक्शन बताई थी, जो बहुत ही इजीली आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में सब कुछ सीख सकते हो कि कैसे हमने लेवल्स भी ऑप्शन के निकाले थे। तो चलिए कि आज देखते हैं क्या होता है। तो कल जैसा ही आज बहुत ही क्रूशियल लेवल पर है, कि आज मैं फिर से वही बोलूंगा, अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन होता है और बहुत समझो 500 600 पॉइंट ऊपर चला जाता है, तो इमीडिएटली कुछ भी बाय मत करना, क्योंकि देखो जैसे ही मार्केट नीचे आता है तो ये पहली रिट्रेसमेंट, दूसरी रिट्रेसमेंट, मतलब पहला बड़ा रेजिस्टेंस, दूसरा बड़ा रेजिस्टेंस। तो जब भी मार्केट रेजिस्टेंस हिट करता है तो नीचे आने की कोशिश करता है, इधर हिट करेगा नीचे आने की कोशिश करेगा, तो इमीडिएटली बाइंग पर मत जाओ, ओके? क्योंकि कल मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी पैदा कर सकता है, थोड़ा साइडवेज भी जा सकता है। तो और एक दूसरी चीज है, अगर फिर से गैप डाउन ओपन हो जाए तो आपको प्राइस एक्शन के लिए वेट करना है, जो हम अपडेट कर देंगे, पूरा का पूरा हम अपडेशन टेलीग्राम पे कर देंगे कि आपको किस साइड ट्रेड लेना है, कॉल लेना है, पुट लेना है, और कौन से लेवल पे लेना है, सब कुछ हम बता देंगे। आप टेलीग्राम को जल्द से जल्द जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दूसरी चीज है कि अगर फिर से, जैसे मैंने कहा था कि अगर फ्लैट ओपन हुआ मार्केट, जैसे कल बोला था ना मैंने, कल क्या बोला था, अगर ये फ्लैट ओपन हो गया जैसे आज हो गया तो आपको ट्रेड लेना है, और उसका मैंने लेवल भी दिया था, और लगभग 100 पॉइंट का लेवल था और सभी टारगेट पूरे हो गए। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो, फिर इस वीडियो पे आओगे तो और अच्छी लर्निंग मिलेगी। तो अगर फिर से फ्लैट ओपन होता है और कोई भी 15 मिनट का कैंडल फिर से 36,000 के नीचे क्लोज देता है, और वो कैंडल कौन सा होना चाहिए, रेड कैंडल होना चाहिए,
राइट। तो आपके इमीडिएट टारगेट दो हो गए इधर, इस केस में अभी दो टारगेट हो गए। पहला टारगेट तो छोटा होगा 35,750, और दूसरा टारगेट 35,500। ओके, ये दो टारगेट आपको ध्यान में रखने हैं, लेकिन इमीडिएट ट्रेड मत लीजिए। जैसे ही कोई वॉल्यूम एक्शन होती है या फिर प्राइस एक्शन होती है, तो मैं आपको सब अपडेट करता रहूंगा, जिससे कि आप इजी ट्रेड ले सकते हो। और बाइंग के साइड में मैं बता दूंगा कि कैसे करना है, पहले ही बताया। गैप अप ओपन हो गया तो बड़े बड़े रेजिस्टेंस से ऊपर उधर हिट हो सकते हैं और आप लॉस में जा सकते हो कॉल बाय करके। इसीलिए इमिडिएटली कुछ भी मत करना, और जब भी मैं अपडेट करूंगा तभी आप बाय कर सकते। और अगर फ्लैट ओपन होकर ये ऊपर जाने लगे तो भी बाय नहीं करना, क्योंकि फिर से रेजिस्टेंस हिट होगा, क्योंकि कल ही मार्केट गिरा है तो आज थोड़ा साइडवेज हो सकता है। अगर साइडवेज नहीं हुआ और फ्लैट ओपन होके सीधा फिर कंटिन्यू कर गया तो नीचे आएगा। ओके, तो हम देखेंगे कैसे मार्केट मूवमेंट करता है। कल हमारी एकदम एग्जैक्टली जैसे हमने एनालिसिस किया था वैसे ही हुआ है। अभी कल देखते हैं मार्केट का मोमेंटम, और उस हिसाब से हम पूरे लेवल्स अपडेट कर देंगे। और ट्रेनिंग प्रोग्राम को हमने सिखा भी दिया है कि कैसे आपको लेवल पहले से ढूंढ के रखने। तो आप भी जुड़ जाइए, सभी लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। उम्मीद है आपको पूरा एनालिसिस पसंद आ रहा होगा। धीरे धीरे मैं इसमें लर्निंग इंक्लूड करता जाऊंगा, जिसमें आपको प्राइस एक्शन क्या होती है, और उससे भी इम्पोर्टेंट वॉल्यूम एक्शन कैसे आपको कैलकुलेशन करने हैं। धीरे धीरे मैं सब कुछ इंक्लूड करते जाऊंगा, आप जुड़े रहिए चैनल से। तो चलिए मिलते हैं ऐसे वीडियो में। धन्यवाद।